स्वस्थ हार्मोन्स। टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। स्कूल में होते हैं ना, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपो थैलेमस ग्लैंड। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? किंग एंड क्वीन। शतरंज देखा है, उसमें किंग सबसे वीकेस्ट मोहरा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये दोनों जो है ना, इस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स को, इट इज कंट्रोलिंग दिस बोथ हार्मोन्स। फीमेल की जो भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड यदि आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, व्रिंकल्स, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी, बॉडी की डेवलपमेंट रुक जाएगी। एंड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्यूटी विद ब्रेन्स, ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो ब्रेन ने तो अपना काम कर दिया, अगर उसका कंट्रोल हट गया, प्रिंसिपल का कंट्रोल हट गया, तो ये सारी बीमारी जो भी बोली गई। और अगर थायराइड इम्बैलेंस हो गया, झाइयां, झुर्रियां, आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स एंड साथ में प्रोफ्यूस ब्लीडिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज व्हेन द थायराइड ग्लैंड गेट्स इम्बैलेंस। तो बहुत ध्यान रखना है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो मल्टी मिलियन हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मल्टी मिलियन हार्मोन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की वजह से, वाइस प्रिंसिपल। तो ध्यान रखना है कि पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड, ये तीनों हमेशा बैलेंस रहे। ये तीन ग्लैंड अगर आपके कंट्रोल में है तो आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफी बैलेंस रहेगा। कई बार होता है ना कि लैक्टिंग मदर, दूध नहीं आ रहा है बोलते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये सबको बैलेंस करेंगे। हाउ टू बैलेंस योर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जिसकी वजह से प्रोफ्यूस ब्लीडिंग, देयर इज नो डेवलपमेंट और कई बार दिमाग काम नहीं करता है। अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, पीरियड आने से 8 दिन पहले से इरिटेशन, आप शाउट करने लगते हो, अपने ही प्रिय इंसान से आप घृणा करने लग जाते हो, अच्छा नहीं लगता है, सामने वाला कुछ भी प्यार से 2 शब्द बोलेगा हम उल्टा लेने लग जाते हैं, सिर्फ उसका मतलब है। तो ब्यूटी विद ब्रेन बहुत जरूरी है, तो पीरियड्स का रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। जिस फीमेल में पीरियड्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज बहुत जल्द आ जाता है। तो बी केयरफुल, ऑलवेज कीप योर पिट्यूटरी ग्लैंड बैलेंस्ड, थायराइड ग्लैंड बैलेंस। कैसे रखना है हमको ये दोनों को? पिट्यूटरी को बैलेंस करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। घर में सभी के पास कपड़े की क्लिप होती है ना, कपड़े सुखा दो, क्लिप लगा दो, नहीं तो हवा से उड़ जाता है। हार्मोन्स भी ऐसे ही है, इनको बैलेंस ना करो तो ये उड़ने लग जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, यहां वहां भागने लगेंगे और मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसको हमको बैलेंस रखना है। 10 क्लिप्स 10 उंगलियों में हम लगा लेंगे, थायराइड, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से सिर्फ 1/2 इंच ऊपर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी शेप क्या है हमारा? ओ, ओ एंड मल्टी मिलियन हार्मोन्स एम, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एम जो रिलीज कर रहा है, ओ एंड म मिल गया तो क्या बन गया? ओ।
तो सात चक्र को बैलेंस करने के लिए योग मुद्रा, कौन सा योग? उषा मुद्रा। उषा मुद्रा जो मल्टी मिलियन हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये सबको बैलेंस कर देता है आपका उषा मुद्रा। तो इसको टाइट बंद करना है। सारे के सारे कपड़े हैं, कपड़े की क्लिप है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह तो हम बैलेंस कर सकते हैं। इजी टू बैलेंस, इजी टू बैलेंस। 3 मिनट के लिए ओम के उच्चारण के साथ, अगर आप 3 मिनट ओम के उच्चारण के साथ इसको टाइट बंद करेंगे, एकदम टाइट, इससे क्या होएगा, ईच एंड एवरी 7 हार्मोन्स, पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, थाइमस, एडेनल, पैनक्रियास, फीमेल में है ओवरीज एंड मेल में होते हैं टेस्टिस, तो ये 7 चक्रों को हम बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं बाय डूइंग उषा मुद्रा। थायराइड ग्लैंड, ब्यूटी खत्म हो जाती है अगर थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाता है। वेरी सिंपल, रिंग लेंगे हम, थायराइड ग्लैंड बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी बताया गया था कि ये थायराइड ग्लैंड है हमारा, राइट, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड, तो इसको हमको क्या करना है, जस्ट बैलेंस करेंगे सिर्फ 3 मिनट डेली, 3 मिनट्स जस्ट इसकी मसाज करेंगे, 3 मिनट्स थायराइड ग्लैंड की मसाज करेंगे हम लोग। दोनों हाथ में बायलैटरल मिलेगा, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी बैलेंसिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब बैलेंस इसी से, ब्यूटी विद ब्रेन सभी के अंदर आ जाएगा, न झाइयां रहेगी, न पिगमेंटेशन, कई बार होता है ना अनइवन टेक्सचर ऑफ द स्किन, ब्लैक व्हाइट मिलता है, कई लोगों के चेहरे होते हैं ब्लैक व्हाइट, पैची पैची होता है पूरा चेहरा, कई बार होती है गर्दन काली काली दिखती है बिकॉज ऑफ थायराइड इम्बैलेंस। जब आपका बैलेंस नहीं है थायराइड पे तो हो जाता है आपको ये सब, काला गर्दन कई बार होता है, यहाँ पे काला काला हो जाता है आपका, कई बार घुटने सिर्फ काले मिलेंगे हमको, कई बार इनर थाइस डार्क हो जाती है, पैची पैची हो जाते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ थायराइड। तो हमको क्या करना है, बैलेंस कर देना है विद रिंग, इजी। अब पिट्यूटरी को कैसे बैलेंस, इजी मेथड टू बैलेंस पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी हमारे कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे कंट्रोल में है, थायराइड कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो फिर कभी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशन फॉर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वेरी इजी, वेरी इजी। डेली अगर आप 5 मिनट कपड़े की क्लिप लगा लेते हो या ये मैग्नेटिक क्लिप लगा लेते हो, वेरी इजी यू कैन बैलेंस योर हार्मोन्स। तो ओवरी जो प्रोड्यूस कर रही है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो अगर अच्छा बीन्स वाला फ्रूट खाएंगे, बड़ा बीन्स वाला फ्रूट खाएंगे तो जल्दी कंसीव होएगा। बट रिमेम्बर, इफ यू ईट जंक फूड, मायोनीस, सोया सॉस, चिली सॉस, व्हाइट सॉस, अजीनोमोटा, अगर ये सब चीजें आप खाएंगे 110% यू विल नेवर कंसीव इन योर लाइफ, कंसेप्शन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, सो प्लीज बी केयरफुल, नो जंक फूड, नो चाइनीज फूड। जितने भी लोग ये खाते हैं, जितने भी फीमेल ये खाती है, उसके लिए कंसेप्शन बहुत मुश्किल होते हैं, हार्मोन उतने ही इम्बैलेंस, जितना आप चाइनीज नूडल्स, चाइनीज फूड खाते हो, अमेरिकन चॉपसी एंड ऑल, आपके हार्मोन बहुत डिस्टर्ब होंगे एंड आपका दिमाग भागेगा, उल्टा भागेगा, सीधी दिशा में नहीं भागेगा, सिर्फ उल्टी दिशा में भागेगा। तो ध्यान रखना है जितना हो सके हिंदुस्तानी भोजन, डोंट ट्राई टू ईट अजीनोमोटा, वेनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, व्हाइट सॉस, मायोनीज बोलते हैं वो डाल दे उसके ऊपर सलाद के ऊपर, गिविंग टेस्ट टू 6-inch टंग विल इम्बैलेंस योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, सो बी केयरफुल। स्वच्छ हार्मोन्स, स्वस्थ हार्मोन्स, अगर स्वच्छ रखना है हार्मोन्स को तो जंक फूड अवॉइड करना है पूरे के पूरे, बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी। डॉक्टर वल्लभ भाई यूज्ड टू ऑलवेज से कि बेस ऑफ योर फिंगर, जो ऊपर की जो टिप है आपकी, बहुत इजी, इसको जस्ट प्रेस कर दो 3 मिनट के लिए ओम के उच्चारण के साथ। अगर आप ये 3 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं जब तक हीट जनरेट ना हो जाए, समझ जाना,
आपका एकदम बैलेंस होना शुरू हो, एक बार हीट जनरेट हो गई, बैलेंसिंग शुरू हो जाती है। तो डेली फॉर एवरी फीमेल आई काइंडली रिक्वेस्ट टू फॉलो दिस, या तो आप क्लिप लगा के ओम का उच्चारण करो, चाहे उषा मुद्रा के साथ अपने हार्मोन्स को बैलेंस करो, या चाहे सारे पिट्यूटरी टिप पॉइंट्स, आपके फिंगर पॉइंट्स को आप प्रेस करके 3 मिनट्स के लिए ओम का उच्चारण करो। ओ दैट इज योर द शेप ऑफ योर पिट्यूटरी एंड एम मल्टी मिलियन हार्मोन्स, तो ओ एंड म विल बैलेंस योर 7 एंडोक्राइन